ये देखो तुमने, ये स्टैंड है, ये अपने टूथब्रश का, टूथपेस्ट का जो भी है इसका, यहाँ रहना चाहिए चीज, इधर यहाँ पे खड़ा है ये क्या है, खोल गए यहाँ, मतलब किसको। वो दोनों आके मस्त सोफे पे कूद कूद के खेले, तो उसका पूरा कवर आप सोफे का इधर उधर कर दिया था, पूरा कुशन उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया था। हेलो एवरीवन, नमस्कार, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। अभी उसको क्या करोगे आप, क्या ये ले आए हो? देखो विमान कुछ तो लेकर आए हैं, ये क्या है आपका, वाइप है क्या? वाइप, नया वाइप क्यों निकाला, नया वाइप क्यों निकाला बेटा? तो कुछ बनाओ, लेकिन चलो जल्दी सबसे पहले ब्रश करो। अभी विमान उठा है 10 मिनट, 10 मिनट पहले, मैं भी जस्ट जिम से आया हूँ 15-20 मिनट पहले। और मैं तो सुबह ब्रश करके जाता हूँ, मैं सुबह ब्रश करके जाता हूँ, गर्म पानी और एक बनाना खा के जाता हूँ, ताकि एनर्जी थोड़ी बनी रहे जिम में, ताकि अच्छे से कर पाए, चक्कर वक्कर ना आए। और विवान भी सुबह उठता है तो सबसे पहले ब्रश करता है। इतना अच्छा बच्चा ये कि सुबह, मैं तारीफ कर रहा हूँ, करा नहीं करना है, मैं झूठी तारीफ कर रहा हूँ तुम्हारी। तो ये सुबह सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करता है, उसके बाद ही कुछ खाता पीता है। तो हम लोग जा रहे हैं वॉशरूम में और ब्रश करके अच्छे से टीथ क्लीन करेंगे। और एक चीज़ मैं और दिखाता हूँ बाथरूम की, नहीं ये देखो रूम में, ये स्टैंड है, ये अपने टूथब्रश का, टूथपेस्ट का जो भी है इसका, अब यहाँ रहना चाहिए चीज, इधर यहाँ पे खड़ा है ये क्या है, खोल गए यहाँ, मतलब किसको ये, कितनी हाइट पे, देखो कितनी हाइट पे, किसको ये चीज भी ऊंची लग रही है, आप समझ जाओ, मैं कुछ बोलूंगा नहीं, कि उसने यहाँ रखा है, मतलब अगर इसको यहाँ रख दो तो क्या प्रॉब्लम है, क्या प्रॉब्लम है पता नहीं। तुमने गंदा, अच्छा मतलब तुम वाइप से सफाई कर रहे थे। चलो अच्छा, इसके ऊपर विवान इसके ऊपर खड़ा होता है, फिर अच्छे से यहाँ से ब्रश करता है, नहीं करेगा तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा, कोई बात नहीं। हाँ तुम जाओ सो। और मैंने तो यार एग बॉईल किया है, और अपने लिए एग बॉईल है, उसको छीलूंगा और अच्छे से खाऊंगा और स्ट्रांग हो जाऊंगा। मैं तो बहुत स्ट्रांग होता हूँ, मैं खेलता हूँ, कूदता हूँ, और विवान थक जाता है क्योंकि वो ब्रश भी नहीं करता है, और जब ब्रश नहीं करेगा तो कुछ खाएगा नहीं, और बस ये कार चलाता रहता है। उसको कार चलाने देते हैं, मैं जा रहा हूँ अपना ब्रश करने और खाने। जब तक ये ब्रश नहीं करेगा तब तक, हाँ टीवी देखो, देखो रिमोट तो अंकल रात को लेकर चले जाते हैं, तो रिमोट है नहीं, टीवी भी नहीं देख पाएगा, कुछ खा भी नहीं पाएगा। तो भाई जब तक ब्रश नहीं, नो फूड, ये रूल है इस घर का, विद नो ब्रश नो फूड। मैंने क्योंकि ब्रश कर लिया है तो मैं अपना जा रहा हूँ खाने, और मैं म्यूजली भी बनाऊंगा भाई, म्यूजली उसमें मैं बनाना डालता हूँ, चीकू डालता हूँ, मैंगो सीजन है तो मैंगो डालता हूँ, थोड़ा सा हनी हल्का सा स्टर करके मस्त उसको खाता हूँ, तो बहुत मज़ा आता है। तो मैं चला यार, मुझे भूख बहुत तेज लगी है, और मैं किसी को नहीं दूंगा अपना खाना, किसी को भी नहीं। सो द गुड न्यूज़ इज कि बाबू ने ब्रश कर लिया, थोड़ा रोया था क्योंकि मैं उस एग लेने गया, तो मैंने उसको एग में ऑफर नहीं किया, दिया नहीं, मैं थोड़ा ऊपर हाइट पे रख दिया, फिर रोने लगा, फिर मैंने बोला कि डैडी की तरह अगर स्ट्रांग होना है तो कैसे स्ट्रांग होगे, तो मैंने उसको बताया कि खाओगे नहीं तो स्ट्रांग नहीं होगे, थक जाओगे जल्दी। तो बाबू फिर एग्री हुआ, फिर ब्रश करके आ गया, और कितना प्यारा लग रहा है, मुंह सब वॉश कर लिया, कुल्ला कर लिया, अच्छे से वॉश कर लिया, अब बाबू को खाने का मिलेगा, तो जो बाबू बोलेगा वो मैं खाने को दूंगा। क्या क्या चाहिए अभी खाने को, फर्स्ट थिंग फर्स्ट क्या है? ब्रेड तो अभी है नहीं, तो आई विल गिव यू एग, ठीक है, छील के डैडी को भी देना और खुद भी खाना। तो देर आर फोर एग्स, डैडी कह ओके, तो देर आर फोर एग्स, तो टू यू विल टेक, टू आई विल टेक, ठीक है, हु विल, हु विल टेक, मोई टेक, व्हाट काइंड ऑफ इंग्लिश इज दिस? ओके ओके ओके, आई एम शटिंग इट डाउन, थोड़ा ही इज फेसिंग लिटिल बिट प्रॉब्लम व्हाइल स्पीकिंग इन इंग्लिश, दैट इज व्हाई ही इज फीलिंग शाय, ही सेड जस्ट रिमूव दिस कैमरा फ्रॉम माय साइड। बाबू डोंट शाय, व्हाट एवर यू नो जस्ट से, डोंट शाय, डोंट वरी बाबा, डोंट वरी, गुड। चलिए मैं, आप आई विल मेक समथिंग फॉर हिम, मे बी द फर्स्ट थिंग आई विल गिव हिम म्यूजली, ओके आई विल प्रिपेयर म्यूजली फॉर मी, सो दैट वी बोथ विल ईट फ्रॉम दैट, एंड द फर्स्ट थिंग वॉट आई विल गिव टू हिम इज मिल्क विद सम गुड न्यूट्रिशियस, विच फ्लेवर यार, स्ट्रॉबेरी, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर पाउडर विथ प्लांट बेस्ड स्ट्रॉबेरी जूस, एंड देन आफ्टर आई विल गिव हिम वन एग ओनली, नॉट टू एग, वन एग,
देन आफ्टर वील हैव म्यूजली टूगेदर, ओके एट द एंड वील हैव म्यूजली टूगेदर, द फर्स्ट थिंग शुड बी योर मिल्क, ओके नो एंड वॉट विल यू हैव जूस, तो चलो जूस बनाते हैं पहले, ठीक है चलो. नाश्ता वास्ता करके बिल्कुल मस्त खाना भी बन गया है, झाड़ू पोछा भी हो गया है, अब रेडी हो गया हूँ ऑफिस जाने के लिए, अपने कर्म स्थल जाने के लिए फुल रेडी जाता हूँ, बढ़िया ऑफिस में काम करता हूँ, उसके बाद शाम को आता हूँ फिर बाबू के साथ खेलता हूँ, हम लोग ने गुड बाय खींची कर ली, गुड बाय कर लिया हम लोग ने, बट मुझे शूज़ पहन के मुझे निकलना है, बढ़िया काम कर रहे हैं, काम करके आते हैं फिर शाम को बाबू के साथ अगेन ये हम लोग बास्केटबॉल खेलेंगे, ठीक है ठीक है चलो बाय. हाँ अभी मैं घर आया ऑफिस से तो देखा विवान उसके फ्रेंड आया था, एक यहीं पे रहते सामने फ्लैट में, वो दोनों आके मस्त सोफे पे कूद कूद के खेले, तो उसका पूरा कवर सोफे का इधर उधर कर दिया था, पूरा कुशन उखाड़ उखाड़ के फेंक दिया था, मतलब उखाड़ के फेंका क्या इधर उधर कर दिया था, उस पर जंप कर रहे थे, तो जब तक मैं आया तब तक तो वो इसका फ्रेंड जा चुका था, बट अवंतिका बताया कि खूब मस्ती में खेले, खूब मजे किए लोग, जम कर खेले, सोफा का कोई बात नहीं यार, थोड़ा इधर उधर होगा होगा, लेकिन बच्चे के साथ बच्चा मिला और खेले उससे अच्छा क्या है, मतलब टीवी नहीं देखे, कोई ऐसा गैजेट नहीं देखे, गैजेट नहीं यूज़ किए, फिजिकल एक्टिविटी किए तो वो अच्छा था, सोफा क्या कवर लग जाएगा, जो भी टूटेगा वो दोबारा बन जाएगा, तो अच्छा रहा, अच्छा लगा. और अभी ये मेरे गोदी आ गए, कह रहे हैं ये थक गए हैं, तो ये थक गए गोदी आ गए कैसे सर हिला के सोएंगे, उसके बाद बीच में छिपकली भी आ गई, पता नहीं आई छिपकली छोटी सी कैसे आ गई, तो उसको भी भगाया, मैं भी खाना ना खा के मस्त रेडी हूँ सोने आ गया हूँ, इट्स ऑलरेडी 10 और नींद बहुत तेज़ आ रही है, क्योंकि सुबह आज मैं 5:15 बजे ही उठ गया था, तो पहले मैं 5:30 का अलार्म लगाता था, एक हफ्ते बाद 5:25 किया, फिर एक हफ्ते बाद 5:20 किया, अभी कल मैंने 5:15 कर दिया, तो 5:15 लगाता हूँ तो 25 तक उठ जाता हूँ, और 5:25 लगाता हूँ तो 35 तक उठ जाता हूँ, तो ऐसे धीरे धीरे करते मैं सोच रहा हूँ 5 बजे उठूँ, ताकि 5:30 तक रेडी हो के 5:45 बजे तक जिम पहुँचता हूँ, क्योंकि अगर मैं 6:15 बजे जिम पहुँचता हूँ तो और जब तक मैं वार्म अप करता हूँ, जब तक मेरे मशीन की एक्सरसाइज आती है, तो एक मशीन ऐसी है जिसपे वो कॉमन टाइप का है, वो उसका कोई दूसरा तोड़ नहीं है, उसमें भीड़ बहुत हो जाती है, तो जब तक मेरा वो नंबर आता है तो वो स्किप करना पड़ता है, तो मैं सोच रहा हूँ जल्दी चला जाऊँ, ताकि मैं जल्दी स्टार्ट करूँगा तो वो चीज़ मैं पहला रहूँगा उसका, तो उसको यूटिलाइज़ कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा, सुबह और जल्दी उठूँगा तो अच्छा ही रहेगा. अरे तो उधर गए थे गोदी, तो अभी तो ये प्लान है 5:15 इस हफ्ते पूरा 5:15 उठूँगा, देखता हूँ कैसा रहता है, थकावट थकावट ज़्यादा रात में हो जाए तो सुबह उठने का मन नहीं करता है, लेकिन अभी सोच रहा हूँ आधे घंटे में 10:30 पौने 11 तक सो जाऊँ, तो सुबह आराम से उठ जाऊँगा, फिर कल मस्त एक दिन स्टार्ट करेंगे बाबू के साथ, है ना है ना है ना है ना है ना है ना, क्या कर रहे हो देखो तुम, बस गोदी में ये मेरे ऐसे जंप कर रहे हैं, मेरे पास कोई काम नहीं है, मेरी गोदी में कूदा करते हैं, तो चलो भाई मैं भी थक गया हूँ, ये भी पता नहीं थका कि नहीं इतना खेलने के बाद, लेकिन मैं तो थक गया हूँ, सुबह 5:15 बजे उठ गया, फिर जिम गया, उसके बाद ऑफिस गया, ऑफिस में थक गया, ऑफिस से 9:15 बाबू भी थक गया, 9:15 बजे मैं आया, तो चलिए मैं चलता हूँ सोने, इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करता हूँ, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, और अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पे नहीं फॉलो किया तो आप फॉलो कर सकते हो, मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जय श्री राम, जय श्री राम, जय हिंद.